नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने अपना कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है और आप लोग अपने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप लोग अपने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए कोविन पोर्टल पर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से वो वाला मोबाइल नंबर पूछा जाता है जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने अपने वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ली थी। अब यहाँ पर से देखिए, ये जो मोबाइल नंबर है ये बहुत लोगों का, किसी का बंद हो गया है, किसी का खो गया है और किसी के नंबर से चार अपॉइंटमेंट ली गई थी। जैसे मान लीजिए मैंने कोरोना वैक्सीन के टाइम पर अपॉइंटमेंट ली थी अपने तीन फैमिली मेम्बरों की या फिर तीन दोस्तों की। अब वहाँ पर से अगर उनको अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना होता है तो वो यहाँ पर से मेरा मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर OTP आएगा और फिर मेरे इस पोर्टल में वो लॉगिन कर पाएंगे, मतलब मेरे अकाउंट को वो एक्सेस कर पाएंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आने वाले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मोबाइल नंबर से डिटैच करना चाहते हैं, दूसरे मोबाइल नंबर पर ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग बिना इस पोर्टल पर लॉगिन करें इसके बैकएंड से, मतलब इसके सर्वर जहां पर भी इसका डेटाबेस होगा वहां पर से अपने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को कैसे फैच कर सकते हैं डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करते हुए। अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर इस पोर्टल पर चल रहा है, आप लोग इस पर लॉगिन कीजिए। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर से देखिए आप लोगों को आना है इस पोस्ट में। जैसे आप लोग इस पोस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को तीन तरीके बताए गए हैं अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को कोविन पोर्टल के थ्रू बताया गया है, आरोग्य सेतु के थ्रू बताया गया है। अगर आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए अपने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बताए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को वीडियो भी देखने को मिलेंगे जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप लोग अपने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को व्हाट्सएप में, आरोग्य सेतु या फिर कोविन पोर्टल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात यह है कि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कोविन पोर्टल पर लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप लोगों को अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो फिर आप लोग डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो बिना कोविन पोर्टल में लॉगिन करे अगर आप लोग अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को कोविन पोर्टल के डेटाबेस से फैच करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर से ये समझिए कि ये जो कोविन पोर्टल है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पोर्टल है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से डिजिटल लॉकर खोलेंगे। डिजिटल लॉकर को एक्सेस करने के लिए अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में डिजिटल लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिजिटल लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग डिजिटल लॉकर की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर से ये लिंक दिया गया है digilocker.gov.in। तो आप लोग यहाँ पर से इस पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हैं और इसमें जो लॉग इन होता है वो आप लोगों के आधार कार्ड के नंबर से होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन पे खोलूँ तो मैं यहाँ पर से इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो यहाँ पर से गेट स्टार्टेड का मेरे को ऑप्शन मिल रहा है तो मैं यहाँ पर से गेट स्टार्टेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से देखिए हम लोगों से ये लॉग इन करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है साइन इन का और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का। अगर आप लोगों का डिजिटल लॉकर में अकाउंट नहीं है तो आप लोग क्रिएट अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को आपका जो भी नाम है आपके आधार कार्ड में वो यहाँ पर से आप लोगों ने एंटर करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आप लोग के आधार कार्ड में है उसको यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर से जो भी आप लोगों के पास वर्किंग नंबर है, अभी जो आप लोगों के पास चालू नंबर है उसको यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड बनाना है जिसके थ्रू आप लोग इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। तो जो भी आप लोग कोड बनाएंगे उसको याद रखिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आप लोगों का ईमेल आईडी है उसको डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना है। जैसे ही आप लोग ये सारी डिटेल डाल के सबमिट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों के पास आधार से एक OTP आएगा और उस OTP को आप लोग यहाँ पर से इसमें डालेंगे तो आप लोगों का जो अकाउंट है इसमें बन जाएगा और फिर आप लोग यहाँ पर से इस एप्लीकेशन में साइन इन करेंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट इसमें पहले से है तो मैं यहाँ पर से इसको साइन इन करता हूँ, और साइन इन करने के बाद यहाँ पर आप लोग दो तरीके से साइन इन कर सकते हैं। आप लोग अपने आधार कार्ड से साइन इन कर सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, या फिर आप लोग अपने मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पर आप लोगों ने जो 6 डिजिट का पिन बनाया था उसको यहाँ पर आप लोग एंटर करेंगे और फिर आप लोग इस एप्लीकेशन में साइन इन करेंगे। तो मैं इस एप्लीकेशन में पहले साइन इन कर लेता हूँ। और अगर आप लोगों को डिजिटल लॉकर में अकाउंट बनाने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों ने क्या करना है, हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल में आना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्च का ऑप्शन मिलता है। आप लोग यहाँ पर से सर्च पे क्लिक कीजिए और डिजिटल लॉकर सर्च कर लीजिए। और डिजिटल लॉकर से संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप लोग अगर डिजिटल लॉकर को और अच्छे से सीखना और समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग इन वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर ये देखिए मैंने बताया है कि आप लोग कैसे डिजिटल लॉकर में आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल लॉकर से संबंधित बहुत सारे जो वीडियो हैं वो देखने को मिल जाएंगे।
तो आप लोगों ने इसमें अपना अकाउंट बनाना है और फिर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन में लॉग इन कर लेना है। तो मैं इस एप्लीकेशन में लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मैंने अपने डिजिटल लॉकर में सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है। अब अगर आप लोगों को अपने कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट को इसमें डाउनलोड करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को ब्राउज का ऑप्शन मिलता है और जिसमें आप लोगों को सर्च का ऑप्शन मिलता है। अगर भविष्य में ये ऑप्शन यहाँ पर से हट गया तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है। यहाँ पर भी आप लोगों को सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सर्च को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है मिनिस्ट्री ऑफ, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ कोविन पोर्टल कहाँ है। ये है कोविन पोर्टल और यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आप लोग यहाँ पर से सर्च कर लीजिए, अपने मोबाइल फोन में आ जाते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए जैसे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लिखा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोगों ने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर से देखिए आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों के पास एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है गेट कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो नाम है आधार कार्ड से आप लोगों का उठ के आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर से आप लोगों की आधार कार्ड से उठ जाएगी और यहाँ पर आप लोगों का जेंडर जो है वो भी आप लोगों का उठ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बेनिफिशियरी आईडी। अब यहाँ पर से देखिए ये जो बेनिफिशियरी आईडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को तीन तरीके से मिल सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर से देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो पोस्ट है इस पोस्ट में आप लोगों को आना है और इस पोस्ट में यहाँ पर आप लोगों को मैंने तीन तरीके बताए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर से आप लोगों को तीन तरीके बड़े करके दिखाऊं तो यहाँ पर से मैं आ जाता हूँ ये वाले पेज पे और यहाँ पर से देखिए आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबाइल फोन पे सर्च करना है कि कहीं आप लोगों के मोबाइल फोन में बेनिफिशियरी आईडी तो नहीं है। तो बेनिफिशियरी आईडी को सर्च करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल फोन के एसएमएस बॉक्स पर आ जाइए और यहाँ पर फिर आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन के एसएमएस बॉक्स में सर्च करना है एनएचपी। तो ये जो एसएमएस आते हैं कोविन पोर्टल से वो आते हैं एनएचपी के थ्रू। आप लोग यहाँ पर से एनएचपी सर्च करेंगे और फिर यहाँ पर अगर आप लोगों को मैसेज दिख जाता है जहाँ पर आप लोगों का रेफरेंस आईडी देखने को मिल जाता है तो आप लोगों को ये रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। दूसरा जो रेफरेंस आईडी होता है वो आप लोगों के कोरोना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है जो आप लोगों को सेंटर से मिलता है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट में आप लोगों को दिखेगी यहाँ पर से बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी। क्योंकि आप लोगों के पास ये नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उस केस में आप लोग बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी को कहाँ से लेके आएंगे वो भी अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और तीसरा यहाँ पर आप लोगों को मिलता है बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी जो कि आप लोग कोविन पोर्टल पर जब भी लॉग इन कर पाएंगे तो यहाँ पर फिर आप लोगों को मिलता है रेफरेंस आईडी। तो ये बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट को फैच करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अपना वैक्सीनेशन लगवा लिया है और जिस सेंटर से आप लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया था उस सेंटर की ये जिम्मेदारी होती है। जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। द वैक्सीनेशन सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग योर सर्टिफिकेट एंड फॉर प्रोवाइडिंग अ प्रिंटेड कॉपी पोस्ट वैक्सीनेशन। जब आप लोगों का वैक्सीनेशन हो जाता है तो उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आप लोगों को एक प्रिंटेड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे। उसके बाद यहाँ पर से लिखा हुआ है प्लीज डू इंसिस्ट ऑन रिसीविंग द सर्टिफिकेशन एट द सेंटर। तो आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है, उनसे ही रिक्वेस्ट करनी है और वही आप लोगों को जो सर्टिफिकेट है वो देंगे। और फिर यहाँ पर से लिखा हुआ है फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आप लोगों ने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना वैक्सीनेशन करवाया है तो यहाँ पर से लिखा हुआ है कि उसके जो सर्टिफिकेट प्रिंट करने के चार्जेस हैं वो आप लोगों के उसी चार्ज में इंक्लूडेड होंगे जो भी आप लोगों ने अपने वैक्सीनेशन करने के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर से साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको वहाँ पर से दिखाइए कि भैया आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने के लिए। अगर आप लोग मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी दे दीजिए ताकि मैं उसको अपने डिजिटल लॉकर से आसानी से डाउनलोड कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने उनको ये दिखाना है, तो वहाँ पर से फिर आप लोगों को वो बेनिफिशियरी की रेफरेंस आईडी दे देंगे। तो बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी को हासिल करने का सिर्फ यही तरीका है, या तो आप लोग अपने मोबाइल फोन के एसएमएस में चेक कीजिए या फिर आप लोग अपने सर्टिफिकेट में देख लीजिए या फिर आप लोग कोविन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे उसके बाद आप लोगों को बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। तो आप लोगों को फिर उस बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी को यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर से अपनी बेनिफिशियरी की रेफरेंस आईडी को यहाँ पर एंटर करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर से गेट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर से देखिए मैंने अपनी बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी डाल दी है, अब मैं यहाँ पर से गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए ये जो मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट है ये मेरे डिजिटल लॉकर में सक्सेसफुली फैच हो गया है। हम लोगों ने इसको कोविन पोर्टल के बैक एंड से इसको सक्सेसफुली फैच कर लिया है। अगर अब आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको खोल सकते हैं, मैं यहाँ पर से इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए जैसे मैंने अपने सर्टिफिकेट को खोला तो यहाँ पर से लिखा हुआ है कोविन पास, मेरा नाम लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है और यहाँ पर से कौन सी डोज मैंने लगाई है सेकेंड डोज और यहाँ पर से देखिए फुली वैक्सीनेटेड कोविशील्ड।
मेरी जो वैक्सीनेशन हुआ है वो कोविशील्ड हुआ है, तो यहाँ पर से मेरा जो सर्टिफिकेट है ये इसमें आ गया है। अब बात आती है कि अगर आप लोगों को उसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप लोगों को बैक करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखेगा, बगल में तीन डॉट दिखेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर से तीन डॉट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है शेयर का, तो आप लोग यहाँ पर से शेयर को सेलेक्ट कर लें और शेयर को सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने व्हाट्सएप में ही इसको शेयर कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने बिना कोविन पोर्टल में मोबाइल नंबर से लॉगिन करे सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने डिजिटल लॉकर से अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को एज अ पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल फोन में सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर से आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो ये देखिए मेरा जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो मेरे मोबाइल फोन में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब अगर आप लोग इसका प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंटआउट निकाल लीजिए, और अगर आप लोग इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि आप लोग बिना कोविन पोर्टल में लॉगिन करें अगर अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करते हुए अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के कोरोना वैक्सीन से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोगों ने इसी पोस्ट में आना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स मिलेगा, आप लोग अपने जो कमेंट हैं जो भी आप लोगों के मन में सवाल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक का हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो यार, ये लाल रंग का बटन दिया है बस इसको सब्सक्राइब करना है ऐसे दबा के, और ये बगल में बनी हुई घंटी है इसको दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होगा कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।